Dear students, I am Rupali ma'am, computer trainer. Welcome my YouTube channel, New Haven Computer Classes. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे. और अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम बात करते हैं एमएस ऑफिस के पार्ट. एमएस ऑफिस के कितने पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट को आज हम बेसिक समझेंगे. ठीक है, तो एमएस ऑफिस के हमारे पांच पार्ट होते हैं. नंबर एक होता है एमएस वर्ड, नंबर दो एमएस पावर पॉइंट, नंबर तीन एमएस एक्सेल, नंबर चार होता है एमएस टूल्स और नंबर पांच होता है एमएस आउटलुक. ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में हम बेसिक नॉलेज लेंगे एमएस वर्ड. तो एमएस वर्ड में हम ये भी विंडो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है और इसको हम चार तरीके से ऑन करना सीखेंगे. सिंपल तरीके होते हैं इसके हमारे पास चार ओपन करने के. तो सबसे पहले हमारा होता है विंडो प्लस आर. विंडो प्लस आर को मैंने प्रेस किया है तो हमारी जो एमएस वर्ड जो पार्ट है इसका हमारा जो रन कमांड होती है विन वर्ड होती है. एमएस वर्ड की रन कमांड होती है विन वर्ड, WINWORD. ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज करके विंडो आर विन वर्ड आप टाइप करेंगे यहाँ पर WINWO. ठीक है, नीचे आ रही है, आप इसको एरो की से आप नीचे लेके आएंगे और ओके कर देंगे. ठीक है, इस टाइप से ये विन वर्ड आपका ओपन हो जाएगा. इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं फुल स्क्रीन पर. ठीक है, और इसको क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है इसका, फिर आप यहाँ पर स्टार्ट पर जाएंगे ऑल प्रोग्राम. ठीक है, तो आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है. ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007. ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर ओपन होकर स्क्रीन पर आ गया. ठीक है, इसको यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर लीजिए, ये यहाँ पे ओपन हो गया. ठीक है, क्लोज कर दीजिए. थर्ड है आपका, स्टार्ट पर जाएंगे हम. ठीक है, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे विन वर्ड WIN. ठीक है, ऊपर आ गया. ठीक है, विन वर्ड ये लिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए. अच्छा, ये नहीं है, आप यहाँ पे आप क्लोज कीजिए, स्टार्ट पर जाइए और सर्च करेंगे हम यहाँ पे विन वर्ड WINWORD. ठीक है, और यहाँ पे आप एंटर प्रेस भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिए. ठीक है, क्लोज करना है, क्लोज कर दीजिए. ओके, अब आपका आता है फोर्थ. फोर्थ में आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे. ठीक है, जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट. ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इस टाइप से ये फोल्डर आ जाएगा. इस पर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे. ठीक है, ये आपका ओपन हो गया. ठीक है, इसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिए. इस टाइप से आपका ये स्ट्रक्चर ओपन होकर आ जाता है एमएस वर्ड का. ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम समझेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी नॉलेज क्या है बेसिक. ठीक है, और इसके मेनू बार क्या है और इसका रिविन क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाली जो लाइन देखते हैं, ये ब्लू वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार. ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार. टाइटल बार में आपके राइट साइड में तीन ऑप्शन होते हैं, नंबर एक क्लोज, यहाँ पर रिस्टोर डाउन और आपका मिनिमाइज. ठीक है, क्लोज का मींस हो गया प्रोग्राम को क्लोज करना, मैक्सिमाइज या रिस्टोर, अगर आपको रिस्टोर करना तो ये हाफ स्क्रीन पर आ जाएगा और अगर आप यहीं पर क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज तो ये फुल स्क्रीन पर हो जाता है. ठीक है, मिनिमाइज का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज करना, यानी ये टास्क बार में आपका आ जाता है प्रोग्राम. ठीक है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं. तीन ऑप्शन ये आपके राइट साइड में होते हैं टाइटल बार में. ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अभी आपने आप कोई भी फाइल का नेम नहीं दिया है, जब आप फाइल को नेम दे देंगे तो यहाँ पर आपका नेम शो होगा. ठीक है, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे, ये आपके कहलाते हैं मिनिमाइज, यानी कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है. ठीक है,
ये आपका होता है ऑफिस बटन। ठीक है, अब टाइटल बार के जस्ट नीचे ही आपकी एक लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं हम? मेनू बार। मेनू बार में आपके होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सारी आपकी मेनू बार की होती हैं। ठीक है, इनको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती हैं, जो वो होती हैं अल्ट के साथ। ये जो भी आप मेनू बार की ओपन करेंगे, अल्ट के साथ ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होम की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस एच होती है। अल्ट प्लस एच को आप प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम होम में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी आती है इंसर्ट। इंसर्ट की शॉर्टकट की होती है यहाँ पर अल्ट प्लस एन, अल्ट प्लस एन। ठीक है, इंसर्ट में आपका देखो टेबल है, पेज ब्लैंक है, ये सब आपके क्लिप है। ठीक है, स्मार्ट है, चार्ट है, इन सब का यूज भी हम करेंगे। ठीक है, इंसर्ट में आपके ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस पी, अल्ट प्लस पी। ठीक है, पेज लेआउट में आप पेज का साइज लेंगे, ठीक है, मार्जिन्स लेंगे, ठीक है, और आपका ओरिएंटेशन है, और वाटर मार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर है, ये सब कुछ आपके ऑप्शन होते हैं पेज लेआउट में। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसके अंदर की शॉर्टकट की। ठीक है, फिर आता है हमारा, इसके बाद है रिफ्रेंसिस। रिफ्रेंसिस में क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस एस होती है, अल्ट प्लस एस। ठीक है, अल्ट प्लस एस शॉर्टकट की होती है इसमें। इसमें भी आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, फिर आपको आता है मेलिंग्स। मेलिंग्स में क्या होता है कि इसकी शॉर्टकट की आपको होगी अल्ट प्लस एम। ठीक है, अल्ट प्लस एम, इसमें भी आपके देखो स्टार्ट मेल है, लेवल्स हैं आपके, इनवॉलेपर्स हैं, ये सब आपके ऑप्शन इसमें मेलिंग्स में मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका रिव्यू। रिव्यू का मतलब शॉर्टकट की अल्ट प्लस आर, अल्ट प्लस आर, इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस आर। ठीक है, इसमें भी आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर आता है हमारा व्यू। व्यू की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस वी, अल्ट प्लस वी होती है। ठीक है, व्यू में क्या है, देखो जैसे हमारा प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन है, ठीक है, वेव लेआउट, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है, रूलर है, रूलर लगाना है तो रूलर पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं लगाना है तो इस पे हटा दीजिए। ग्रेड लाइंस हैं, लगानी है ग्रेड लाइंस, आपको लेनी है तो ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जूम है, नॉर्मल 100% होता है। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे ऑप्शन व्यू में मिलते हैं। सबसे पहले फिर हम होम पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, मेनू बार के जस्ट नीचे जो होम में हमारे जो भी पूरा ये दे रखा है, ये सब हमारा पूरा कहलाता है रिविन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब हमारा रिविन कहलाता है। ये हमारा वर्क एरिया होता है, डॉक्यूमेंट्स का वर्क एरिया होता है। ठीक है, ये जो होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, ये वाली लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, नीचे वाली लाइन जो होती है हमारी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होती है, ये होती है हमारी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ठीक है, नीचे यहाँ पे ये लाइन दे रखी है आपको जूम इन और जूम आउट। ठीक है, जूम इन अगर आपको ओनली जूम है तो आपका 100 दिखाएगा, ये जूम ओनली जूम कितना है 100 पर हम वर्क कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे इसका जूम आउट कितना दे रखा है आपको 10%, MS वर्ड का 10% होता है जूम आउट। ठीक है, अब अगर जूम इन देखना है हमें, जूम इन इसका होता है हमारे पास 500। ठीक है, हमारे पास इसका जूम इन होता है 500, ये दिखा रहा है आपको। ठीक है, लेकिन हम कितने पे करेंगे, 100 पर, 100 पर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, जूम इन जूम आउट आपको समझ में आ गया, जूम भी पता चल गया। ठीक है, अब हम इसके रिविन के बारे में बात कर लेते हैं, ये रिविन हमारा क्या है। ठीक है, रिविन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ फॉन्ट को लिख लूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे न्यू अर्बन